अनुराग फिर कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, बोलो यक्षिणी, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी? मेरे साथ उम्र भर रहने के लिए, मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए? कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को एकटक देखते हुए उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं आपको अपनी कहानी बताने के लिए तैयार तो हो जाऊं लेखक बाबू, पर... इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद चुप हो जाती है। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी चुप होती है, अनुराग उससे तुरंत हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है, पर क्या यक्षिणी? कामेश्वरी यक्षिणी अपने मन की बात अनुराग को बताते हुए कहती है, पर मेरी कहानी पूरी होने के बाद अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो? अनुराग कहता है, नहीं यक्षिणी, मैं तुम्हें भला कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को अपनी बातों में फंसाते हुए कहती है, पर अभी तो आपने कहा था लेखक बाबू कि अब आप अपनी कहानियों के लिए जिएंगे, उन्हीं से प्यार करेंगे। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के सामने तर्क रखते हुए कहती है, ये बात आपको भी अच्छे से पता है लेखक बाबू कि हर कहानी एक ना एक दिन खत्म होती है, और एक ना एक दिन मेरी कहानी को भी खत्म होना ही पड़ेगा, और एक लेखक को हमेशा तलाश होती है उसकी एक कहानी के खत्म होने के बाद उसकी दूसरी कहानी की। अगर आपने अपनी अगली कहानी लिखने के लिए मुझे छोड़ दिया तो? कुछ पल के लिए तो अनुराग भी यक्षिणी का ये जवाब सुनकर एकदम चुप हो गया था, पर कुछ सोचते हुए वो अगले ही पल बोल पड़ता है, नहीं यक्षिणी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, और आप मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाएंगे लेखक बाबू? अनुराग भारी आवाज में जवाब देता है, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी ही मेरी जिंदगी की आखिरी कहानी होगी यक्षिणी, उसके बाद मैं कोई कहानी नहीं लिखूंगा। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, पर आपकी आंखों में तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है लेखक बाबू, मुझे आपकी आंखों में कहानी लिखने की एक तड़प दिख रही है, एक जुनून दिख रहा है जो आपसे कुछ भी करवा सकता है, आपसे कुछ भी भुलवा और छुड़वा सकता है। अनुराग अपने मन की बात कामेश्वरी यक्षिणी के सामने रखते हुए कहता है, तुम्हें मेरी आंखों में ये सब कैसे दिख रहा है? ये तो मुझे नहीं पता यक्षिणी, पर मुझे इतना पता है कि तुम ही अब मेरी जिंदगी की आखिरी कहानी हो। मेरा यकीन करो यक्षिणी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, कैसे यकीन करूं लेखक बाबू, क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी आंखों में नहीं बल्कि आपके दिल में भी अपने लिए प्यार कम और कहानियों के लिए ज्यादा दिख रहा है, वो कहानियां जिनके लिए आप मेरा साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। अनुराग पलट कर कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं यक्षिणी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, मैं अपने वादे का पक्का हूं, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? अनुराग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हम विवाह कर लेते हैं यक्षिणी। जैसे अनुराग ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को और ज्यादा घूरने लग जाती है। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि अनुराग को विवाह के बारे में कैसे पता चला था। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग से कुछ पूछती उससे पहले ही अनुराग खुद कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, मुझे ऐसे मत देखो यक्षिणी, तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे विवाह के बारे में कैसे पता, तुम शायद भूल रही हो मैं हॉरर कहानियां लिखता हूँ, और वो लेखक जो भूतिया कहानी लिखता है उसे तंत्र मंत्र के बारे में पता होता है, जिस तरह मुझे विवाह के बारे में पता है, मैंने कई तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ी हैं जिसमें विवाह के बारे में जिक्र है। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, अगर आपको विवाह के बारे में पता है तो आपको विवाह की क्या शर्त होती है वो भी पता होगी लेखक बाबू? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, मुझे विवाह की सारी शर्त पता है। विवाह की सबसे जरूरी शर्त जो है वो ये है कि अगर कोई विवाह तोड़ता है तो उसकी सजा मौत होती है और वो उसी वक्त मर जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, एक और शर्त है लेखक बाबू जो सबसे जरूरी है। अनुराग मुंह बनाते हुए पूछता है, कौन सी शर्त यक्षिणी? कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, लेन देन की शर्त लेखक बाबू। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, विवाह में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है लेखक बाबू, क्योंकि विवाह हमेशा बराबरी से किया जाता है। विवाह में विवाह करने वाले दोनों पक्षों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, वरना विवाह लागू नहीं होता है लेखक बाबू। अनुराग खुशी खुशी बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ यक्षिणी, वैसे भी अब मेरे पास बचा ही क्या है, मैं तो पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है जो मुझे मेरी कहानी से मिलेगा, तुम्हारी कहानी से। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ यक्षिणी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ सीरियस होते हुए कहती है, सोच लीजिए लेखक बाबू, मैं जो भी मांगूंगी आपको देना पड़ेगा, फिर आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। अनुराग झट से जवाब देता है, तुम जो चाहे बेफिक्र होकर मांग सकती हो यक्षिणी, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मैं तो पहले ही तुम्हें अपनी जान भी देने के लिए तैयार था और हूँ, जो तुमने ही लेने से मना कर दिया था। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए लेखक बाबू, पर आपकी जान जितनी ही कीमती चीज चाहिए जो आपको अपनी कहानी की तरह ही प्यारी है,
कामेश्वरी का जवाब सुनकर अनुराग एकदम चुप हो जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लग जाते हैं, वो गंभीर होने लग जाता है। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, ऐसी पहेलियां बुझाकर मेरे दिल की धड़कन मत बढ़ाओ यक्षिणी, सीधे सीधे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। यक्षिणी जवाब देती है, युग, लेखक बाबू मुझे युग चाहिए। जैसे ही अनुराग के कानों तक युग का नाम पहुंचता है, अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि यक्षिणी ने उससे युग को मांगा था। अनुराग कुछ डरते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, तुम्हें युग चाहिए पर क्यों यक्षिणी? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ जवाब नहीं देती है, चुप ही खड़ी रहती है, जैसे वो भी मन में सोच रही हो कि वो अनुराग के सवाल का जवाब दे या ना दे। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछता है, बोलो यक्षिणी तुम्हें युग क्यों चाहिए? यक्षिणी अगले ही पल जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि कहानी के बाद वही आपकी दुखती नब्स है, वही आपकी चाबी है लेखक बाबू। मुझे पता है अगर वो मेरे पास रहा तो फिर आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, यहीं पर मेरे पास रुकेंगे कहानी पूरी होने के बाद भी। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, युग को मांगने का कारण ये नहीं, कुछ और ही है, तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। कामेश्वरी यक्षिणी चुप रहते हुए अनुराग से नजरें फेरने लग जाती है, यहाँ वहां देखने लग जाती है। अनुराग फिर पूछ पड़ता है, बोलो यक्षिणी तुम मुझसे युग को क्यों मांग रही हो? कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैं आपको पहले ही इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ लेखक बाबू, ताकि मैं आपको हमेशा अपने साथ रख सकूं। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जिस तरह आप अपनी कहानियों के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह आप अपने बेटे के बिना भी नहीं रह सकते। उससे भी आप बहुत प्यार करते हैं, चाहे फिर आप ये बात माने या नहीं माने। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बताओ यक्षिणी, पर मैं जानता हूँ सिर्फ इस वजह से तो तुम युग को मुझसे नहीं मांग रही हो, बात कुछ और ही है। अनुराग मन में सोचने लग जाता है, आखिर यक्षिणी मुझसे युग को क्यों मांग रही है? कहीं युग के बड़े होने पर उसे मारकर वो अपने अभिशाप से मुक्ति तो नहीं पाना चाहती? नहीं नहीं, अगर यक्षिणी का मकसद अपने अभिशाप से मुक्ति पाना ही होता तो वो तो अभी मुझे मार चुकी होती, बात कुछ और ही है जो यक्षिणी मुझे बताना नहीं चाहती। अनुराग इस बारे में ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, इतना क्या सोच रहे हैं लेखक बाबू, अभी तो आपने कहा था कि आपके लिए आपकी कहानी सब कुछ है और मेरी कहानी लिखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर युग को मुझे सौंपने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? अनुराग जवाब देता है, क्योंकि युग पर मेरा हक नहीं है कामेश्वरी, उस पर उसकी माँ का हक है, चित्रा का। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं लेखक बाबू, एक माँ का अपनी औलाद पर जितना हक होता है उतना ही पिता का भी होता है, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि युग भले ही चित्रा की कोख में पला हो पर उसमें अंश आपका ही है, वो आपका ही वंशज है। अनुराग नम लहजे के साथ कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ यक्षिणी, पर उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो युग पर फिर हम दोनों का हक है, सिर्फ मेरा नहीं, जितना हक युग पर मेरा है उतना चित्रा का भी है, मैं चित्रा का हक भला तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मैं चित्रा का हक तो आपसे मांग भी नहीं रही हूँ लेखक बाबू, मैं भला उस बिचारी का हक उससे क्यों छीनूंगी, मैं तो बस आपका हक आपसे मांग रही हूँ ताकि आपको हमेशा अपने पास रोक सकूं। अनुराग की अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कामेश्वरी यक्षिणी युग के जरिए उसे कैसे वहां पर रोकने का सोच रही थी, उसके मन में ना जाने क्या चल रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, इतना मत सोचिए लेखक बाबू, जल्दी बोलिए, वैसे भी आपने कहा था आप मुझे मना नहीं करेंगे, जो मांगूंगी खुशी खुशी दे देंगे। अनुराग कुछ नाराजगी के साथ कहता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे युग को मांगोगी यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी भी नाराजगी के साथ कहती है, लेखक बाबू मुझे भी तो नहीं पता था कि आप मुझसे नहीं मेरी कहानी से प्यार करते हैं, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी कहानी जानने के लिए वापस लौटे हैं। कामेश्वरी यक्षिणी का पलटवार सुनकर अनुराग चुप पड़ जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग पर फिर दबाव बनाते हुए कहती है, इतना क्या सोच रहे हैं लेखक बाबू, अभी तो आपने कहा था कि आप मेरी कहानी लिखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये छोटा सा बलिदान नहीं दे सकते? अनुराग पलट कर कहता है, ये छोटा सा बलिदान नहीं है यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मेरी दर्द भरी दास्ता के सामने तो ये छोटा सा बलिदान ही है लेखक बाबू, आपको नहीं पता मैंने जीवन में क्या क्या झेला है, अगर आपको पता होता तो आप कभी ऐसी बातें नहीं करते। मैं आपको अपनी वो कहानी बताने जा रही हूँ जो मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी, सदियों से यक्षिण लोक पृथ्वी लोक में मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको सब बताऊंगी, उनसे आपकी किताब की उससे नींव बनाऊंगी। यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, सच तो ये है कि आप मुझसे बस मेरी कहानी नहीं मांग रहे, मेरी आबरू मांग रहे हैं, वो आबरू जो आप अपनी कहानी के जरिए दुनिया को दिखाना चाहते हैं।
आपका बचपन से यही तो सपना था ना कि आप मेरी कहानी लिखकर एक महान लेखक बने। जब वो मौका अब आपके सामने है तो इतना क्यों सोच रहे हैं? उस मौके को हथिया क्यों नहीं लेते हैं मेरे साथ बिसाह करके? वैसे भी बिसाह करने का फैसला भी तो आपका ही था ना, और अब आप ही मुकर रहे हैं। अनुराग के मन में बार बार ये ख्याल आने लग जाता है कि वो किसे चुने, युग को या अपनी कहानी को? वो कहानी जिसे लिखे बिना वो जीना तो दूर, चैन से मर भी नहीं सकता था। अनुराग ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो वापस भी चला गया तो उसे बस चित्रा के ताने ही सुनने के लिए मिलने वाले हैं। और रही युग की बात, तो जो पिता अपने बेटे की छोटी सी जरूरत भी पूरी नहीं कर पाता वो तो पहले ही अपने बेटे की नजरों में गिर जाता है। पर अगर वो यक्षिणी की कहानी को चुनता है तो ये सब बदल सकता था, और वो ये बात अच्छे से जानता था। उसके अंदर का लेखक भी बार बार उससे कह रहा था कि वो यक्षिणी की कहानी को चुन ले। रही युग की बात, तो उसका ख्याल रखने के लिए चित्रा तो थी। चित्रा तो पहले ही उसे युग से दूर कर चुकी थी। युग के मन में अनुराग के लिए नफरत भरकर अनुराग अगले ही पल अपना फैसला कामेश्वरी यक्षिणी को सुनाते हुए कहता है, ठीक है यक्षिणी, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल अपना एक बाल हाथ में लेते हुए कहती है, ठीक है लेखक बाबू, फिर आपको तो पता ही होगा कि विवाह कैसे किया जाता है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपने हाथ में पकड़े बाल को आधा तोड़ लेती है और अनुराग के एक बाल से बांधते हुए कहती है, मैं कामेश्वरी यक्षिणी, यक्षिण लोक की महारानी, लेखक बाबू से विवाह करती हूँ कि मैं उन्हें अपनी कहानी बताऊंगी भी, साथ में उन्हें उसे लिखने में मदद भी करूंगी, जिसके बदले में। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग की तरफ देखने लग जाती है, जैसे वो उसे कुछ इशारा कर रही हो। अनुराग भी अगले ही पल बोल पड़ता है, जिसके बदले में मैं अनुराग, पृथ्वी लोक का निवासी, कामेश्वरी यक्षिणी को अपना बेटा युग सौंपता हूँ। अब युग पर मेरा कोई हक नहीं है, सारा हक कामेश्वरी यक्षिणी का है। मैं अब कभी युग पर कोई हक नहीं जताऊंगा। कामेश्वरी यक्षिणी को लगा था कि इतना कहकर अनुराग खुद ही चुप